हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज का जो वीडियो है वो है लिब्रे ऑफिस के ऊपर, और ये है लेसन नंबर वन, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस के बारे में जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, क्या उसके इंटरफेसेज होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। नॉर्मली अगर लिब्रे ऑफिस की बात की जाए तो लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि उसे कोई भी यूज कर सकता है फ्रीली, मतलब आप उसे विदाउट परचेज भी आसानी से फुल वर्जन की तरह एकदम ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसमें कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसे मतलब इसमें आपको प्रोडक्ट की परचेज करके डालना है या आपको इसका परचेज वर्जन परचेज करना है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल ओपन है तो मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस टाइप कर दिया, LIBRE, और यहाँ पे आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस का एक ऑप्शन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट दिखाई दे रही है और यहाँ लिखा है लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, फ्री ऑफिस डाउनलोड, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस जो ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड पेज ओपन हुआ है इसका दूसरा, तो इसमें लिब्रे ऑफिस 7.2.1 वर्जन और नीचे जो है वो 7.1.6 है, तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे ऊपर ही दिखाई दे रहा है, लिब्रे ऑफिस 7.2.1। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा है। तो सपोज दैट जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऑफिस के कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिनक्स का है, लिनक्स में 64 बिट और 64 बिट, और जिसमें DEBRPM लिखा है, और यहाँ पे मैक ओएस है मतलब जो एप्पल के लिए है, और यहाँ पे विंडोज के ऑप्शन है जिसमें 32 बिट और 64 बिट है। अब लेकिन ये भी ऑप्शन आता है कि मान लीजिए जहन में कि आप कौन सा मतलब क्या कहते हैं जो विंडो का कौन सा बिट यूज कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको दिखा देता हूँ, इसे हम मिनिमाइज करते हैं। आप अपने पीसी के जो माई कंप्यूटर है इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है, और प्रॉपर्टीज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है डिवाइस स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ पर लिखा हुआ है लैपटॉप उसका नाम है, और यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप है फिलहाल वो AMD Ryzen 7 है, और यहाँ पे रैम जो है वो 16 GB है। नीचे आते हैं तो डिवाइस की ID, प्रोडक्ट ID, और नीचे लिखा है सिस्टम टाइप, तो यहाँ पे लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS है जो हमारा वो Windows 10 है जो इस लैब में। तो अब मुझे यहाँ पर जाना है इसकी वेबसाइट पे, और विंडोज में 64 बिट मुझे सेलेक्ट करना होगा। 32 बिट भी मैं यूज कर सकता हूँ, 64 बिट, लेकिन अगर आपका 32 बिट है तो आप 64 बिट नहीं यूज कर सकते, तो हाईएस्ट 64 बिट होता है, तो 64 बिट मैंने सेलेक्ट किया और डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। जब डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा इस तरीके से, अभी देखिएगा ये आ गया, और यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस 7.2.1 विन x64 MSI, मतलब क्या है 64 बिट का जो ये वर्जन का लिब्रे ऑफिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो साइज है वो है 323 MB, मतलब 323 MB का है, और सेव फाइल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जब सेव फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना ऐसे चालू हो जाएगा। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपको इतना टाइम ना लगे, देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा लिब्रे ऑफिस डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम डाउनलोड से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप माई डॉक्यूमेंट्स जाएंगे अपने, तो यहाँ पे डाउनलोड नाम से फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और जितने भी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे डाउनलोड होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक किया और इसे मैंने एंटर करके इंस्टॉल करना चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर लिब्रे ऑफिस 7.2.1.2 ऐसे दिया गया है। अब मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे टाइप कल कस्टम दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैंने टाइप कल पे ही नेक्स्ट कर दिया। फिर इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शन आ रहा है, मैंने इंस्टॉलेशन पे भी नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन अब यस करने के बाद चालू हो गया है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, कॉपी न्यू फाइल्स लिखा हुआ है, तो मैं फिर से वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ।
तो फाइनली हमारा जो इंस्टॉलेशन है विजार्ड है वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो लिब्रे ऑफिस का सेटअप है वो फुल इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि लिब्रे ऑफिस का यहाँ पे लोगो आ गया है डेस्कटॉप पे, इसका मतलब लिब्रे ऑफिस यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। जब ओपन करेंगे तो ये मैं फर्स्ट टाइम रन करा रहा हूँ आपके सामने ही इंस्टॉलेशन के बाद, तो आप यहां पे देखेंगे कि इस तरीके से लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें क्रिएट का ऑप्शन है, जिसमें राइटर, कैल्क, इंप्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस, इस तरीके से चार पांच ऑप्शन दिए गए। अच्छा, अब आप ये देखते होंगे कि अगर आप एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन करते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो आपको एमएस ऑफिस के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने डाल दिया ऑफिस, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑफिस, फिलहाल चलिए मैं अंदर ही जाता हूँ, इसके मेन्यू में ही जाना पड़ेगा मुझे। तो जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको ऑफिस का फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। तो मेरे पास ऑफिस 2016 फिलहाल इंस्टॉलेशन है इसमें लैप में, और एमएस ऑफिस एक साथ नहीं आ रहा है क्या इसमें, ओह सॉरी। तो जब आप एमएस ऑफिस डालते हैं तो देखिए जैसे वर्ड है तो ये अलग हो जाता है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पब्लिशर है ये अलग हो जाता है, इसी तरीके से पावर पॉइंट अलग हो जाता है, आउटलुक, वन नोट और एक्सेल भी आपका अलग अलग, मतलब सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सेपरेटली इंस्टॉलेशन होते हैं। ये देखिए तो सभी के अलग अलग से आइकन बन के आते हैं, लेकिन जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो उसी में ही आपको क्रिएट में ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा मतलब मान लीजिए ऑप्शन यूज करना चाहते हैं या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक्सेल ओपन कर लिया यहाँ पे, तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, एक्सेल 2016 का ये वर्जन है मेरा। अब मैं इसमें जो ब्लैंक वर्कबुक है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है। अब मैं एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस का जो एक्सेल है उसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि जब आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, 7 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, 16 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, तो उसमें आपको टैब के ऑप्शन मिलते हैं। टैब का मतलब कि जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, ये फॉर्मूलाज है, ये डेटा है, तो इसी तरीके से। लेकिन जब मैं लिब्रे ऑफिस पे जाता हूँ, ये लिब्रे ऑफिस के मैं कैल्क स्प्रेडशीट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पर टैब की जगह मेन्यू मिलेंगे। ये देखिए, अब मेन्यू क्या था कि पहले एमएस ऑफिस में भी मेन्यू आते थे, लेकिन वो कौन से वर्जन में आते थे, जो ओल्डर वर्जन थे। जैसे एमएस ऑफिस का जो वर्जन था वो एमएस ऑफिस एक्सपी का वर्जन, एमएस ऑफिस 2000 वर्जन, एमएस ऑफिस 2003 का वर्जन। लेकिन जैसे ही 2003 के बाद अपडेशन आया, 2007, 10, 13, 16, 19 वगैरह, तो सभी में टैब के ऑप्शन इनेबल कर दिए गए और ये जो मेन्यू के ऑप्शन थे ये डिसेबल हो गए। फिलहाल अब हम लिब्रे ऑफिस के बारे में जानते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो सबसे ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बाद जो ये सेकंड ऑप्शन है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, जिसमें क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये मेन्यू बार है और ये इसके अंदर के सब मेन्यूज है, तो ये मेन्यू और इसके सब मेन्यू। उसके बाद जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है न्यू, फिर यहाँ पे ओपन, यहाँ पे सेव, यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोर्ट, तो ये है आपके स्टैंडर्ड टूल बार, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है लाइब्रेशन सेंस, और उसके बाद यहाँ पे 10 PT, यहाँ पे इसी तरीके से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ पे फॉन्ट कलर के ऑप्शन है, ये फिलअप कलर के ऑप्शन है बैकग्राउंड का जिसे हम कहते हैं, तो ये है आपके फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोबारा देखते हैं टाइटल बार, ये मेन्यू और ये इसके सब मेन्यूज, उसके बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार, और ये होता है फॉर्मूला बार, ये होता है कॉलम एरिया, और ये होता है न्यूमेरिकल वाला जितना भी है वो है रो एरिया, और रो कॉलम को मिलाकर के जो बॉक्स बनता है इसे हम कहते हैं सेल। तो जिसका सेल का एड्रेस अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को मिला करके बनता है, जैसे F9 ये सेल का एड्रेस है और ये सेल नंबर D11 है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है सेल का नंबर, जो नंबर बॉक्स लिखा हुआ है, तो नेम बॉक्स सॉरी। तो जिसपे भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे ये E10 है, ये G11 है, ये J15 है, इसी तरीके से ये आपका रो कॉलम और सेल को मिला के सीट बनता है। यहाँ पे सीट 1 बाई डिफॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये स्क्रॉल बार है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जिसे आप पेज को अप डाउन या सीट को अप डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट के लिए यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया गया है, और जहाँ पे ये सीट वगैरह लिखा है, ये सीट 1 ऑफ 1 लिखा है, ये आपका है स्टेटस बार।
और सबसे नीचे जहाँ पे ये मेन्यू ओपन हो जाते हैं, या यहाँ से आप इसे मिनिमाइज, यहाँ पे क्लिक करके लिब्रे ऑफिस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं टास्क बार, इसे टास्क बार कहते हैं। तो ये आपका टाइटल बार से लेकर टास्क बार तक के इंटरफेसेज हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो मेन्यू वाइज है, अभी जो करंट में लोग एमएस ऑफिस यूज करते हैं करंटली में, वो होते हैं टैब वाइज, और आप भी चाहते हैं कि ये जो लिब्रे ऑफिस है ये टैब वाइज शो करे, इसके जो ऑप्शन है वो मेन्यू की जगह टैब वाइज हो जाए, तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, व्यू में यूजर इंटरफेस का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टूल बार और नीचे लिखा है टैबेट, तो आप टैबेट पे क्लिक करके यदि आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सारे सॉफ्टवेयर टैबेट में हो जाएंगे और इसे आप क्लोज कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट जो है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये तो हो गया मेन्यू, लेकिन इसके नीचे ही टैब के भी ऑप्शन आ गए हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, डेटा, इस तरीके से यहाँ पे टैब के भी ऑप्शन आ गए। और आपको ये वाले ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये मेन्यू वाइज ही चाहिए ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो व्यू में जाके यहाँ पे मेन्यू है तो मेन्यू बार से ये मेन्यू बार हाइड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टैब ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेन्यू बार आ जाए तो व्यू में जाइए, मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू में जाइए और यहाँ पे यूजर इंटरफेस में आपको दोबारा जाना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे जाना है टैबेट की जगह और अप्लाई टू ऑल करके आप इसे क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे टैब वाले ऑप्शन दोबारा हट जाएंगे और यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। और आप चाहते हैं दोबारा टैबेट चाहिए तो व्यू में जाइए, यूजर इंटरफेसेज में जाइए, टैबेट पे क्लिक कीजिए, अप्लाई टू ऑल और उसके बाद क्लोज, तो आपको यहाँ पे टैबेट देखने को मिल जाएगा। और ऊपर जो मेन्यू है इसे हिडन करना चाहते हैं तो व्यू में ऑप्शन जो आता है वो व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू बार को हिडन कर सकते हैं, सिर्फ आपको टैबेट देखने को मिलेगा। और आप व्यू में जाके मेन्यू बार लाने के बाद दोबारा बाय डिफॉल्ट इसके जो यूजर इंटरफेस में जाके टैबेट को हटा के स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करके नॉर्मली पहले जैसा कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आप मेन्यू वाइज यूज करना चाहते हैं या टैबेट वाइज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है या नहीं है, तो मैं एमएस ऑफिस 2016 को भी ओपन कर रखा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर वन लिखता हूँ, एमएस ऑफिस 2000 जो एक्सेल है, देखिए यहाँ पे बुक वन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ये टैब वाइज है, तो वन लिख के अगर मैं इसे यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें वन ही ओनली टाइप हुआ है, ओनली वन वन ही आया है। लेकिन अगर मैं लिब्रे ऑफिस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वन और उसके बाद मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर वाइज सीरीज में आ गया है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, जबकि यहाँ पर एमएस एक्सेल में आपको वन वन ही देखने को मिला है और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिकल में नंबर आ गए। अब लेकिन अगर हम एमएस एक्सेल पर जाते हैं और यहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल सीरीज में चाहिए नंबर, तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं वन और नीचे वाले में लिखते हैं टू, और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की ओर अगर हम ड्रैग करते हैं तब एमएस एक्सेल में नंबर सीरीज में आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्मली तो वन को लिख करके ड्रैग करा तो नंबर आ गए, लेकिन यहाँ पे वन वन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वन वन चाहिए तो आपको दो बार यहाँ पर वन टाइप करना होगा, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद तब आप नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तब आपको वही सिंगल सिंपल सेम नंबर मिलेगा। अच्छा, अब हम दोबारा एमएस ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ SUN सन और मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो ये संडे मंडे इस तरीके से आ गया है शॉर्ट में, और इसी तरीके से मैं संडे अगर फुल लिखता हूँ और फिर मैं नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आप डेज की नेम फुल में आप ऐसे देखने को आपको मिलेगा, और इसी तरह मैं JAN लिख के जैन और उसके बाद मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो जनवरी फरवरी जो है आपका शॉर्ट में आएगा, और यहाँ पर फुल में अगर मैं जनवरी लिख लेता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे JAN लिखना था, फिर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये आपका फुल में मंथ के नेम आ जाएंगे। अब इसी तरीके से मुझे अगर सिर्फ संडे या सिर्फ जनवरी टाइप करना है तो मुझे दो बार टाइप करना होगा SUN SUN, फिर मुझे दोनों सेलों को सिलेक्ट करके और नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ संडे, और अगर मैं JAN या फुल में या शॉर्ट में दो बार मुझे टाइप करना होगा, फिर उसके बाद अगर मैं दोनों को ड्रैग करता हूँ तो वही सेम ही जो वर्ड है वो ऐसे टाइप हो गया।
अब हम लिब्रे ऑफिस में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं SUN टाइप करता हूँ और फिर मैं नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि सेम एज वैसा ही चल रहा है। और यहाँ पे SUNDAY अगर मैं संडे लिख के नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर संडे मंडे फुल में सेम आ गया है, सेम जैसे MS ऑफिस में। और अगर मैं जैन लिखता हूँ तो शॉर्ट में मंथ के नेम सेम की वैसे ही आ गया है। और जनवरी लिखता हूँ तो ये भी सेम ही आएगा, जब इतने सारे ऑप्शन आ गए तो सेम ही आएगा। और अगर मुझे सिर्फ जनवरी ही टाइप करना है नीचे तक, तो मैं दो बार लिखूंगा उन चीज़ों को और दोनों सेल को सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो सेम मंथ के या डेज के नेम शॉर्ट में इसी तरीके से आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अल्फाबेटिकल जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो नॉर्मली पहले जैसा ही वर्क कर रहा है। बाकी हम जब फॉर्मूले चलाते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल SUM सम, तो सेम वैसा ही आया है ऑप्शन। और आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर सेम आप इसमें सम कर सकते हैं। तो मैं सम करके देखता हूँ एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ लिखा मैंने 10, तो टोटल आना चाहिए 15। तो मैं यहाँ पर सम करता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने एरिया दोनों ड्रैग करके सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद करके मैंने एंटर करा तो यहाँ 15 आ गया। सेम एज एक्सेल पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला चलाते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 और 10 लिख दिया आपकी बार, और यहाँ पे मैं चलाता हूँ इक्वल सम, तो यहाँ पे नीचे आपको थोड़े से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, एरिया सिलेक्शन करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सम आ गया है 12। तो इसका मतलब क्या है कि सिमिलर ही पूरा यूज हो रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस का कहाँ यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, आप जिस कंट्री में देख रहे हैं आप वहाँ पे यूज होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उसमें जैसे CCC हो गया, O-Level हो गया, उसमें लिब्रे ऑफिस को अब मैंडेटरी कर दिया है। जबकि पहले MS ऑफिस के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो लिब्रे ऑफिस का जो ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CCC कर रहे हैं या O-Level कर रहे हैं तो उसमें जो लिब्रे ऑफिस के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, और किस तरीके से इसका यूज होता है वो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं लिब्रे ऑफिस का ये प्लेलिस्ट मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका आज लेसन नंबर 1 है। अब इसके बाद लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, और इसी तरह से हम इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, पूरा वर्क सीखेंगे और किस तरीके से इस पर वर्क करेंगे। नॉर्मली वैसे MS ऑफिस की तरह ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम जो थोड़ा बहुत अंतर है वो हम और भी देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो मैं लिब्रे ऑफिस को दोबारा एक बार ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये MS वर्ड की तरह सेम आया है। तो इसमें MS वर्ड के ऑप्शन हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिब्रे ऑफिस को दोबारा रीओपन करता हूँ। एक्सेल तो हमने देख ही लिया है, ये प्रेजेंटेशन है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जिसमें पावर पॉइंट की तरह स्लाइड वगैरह ऑप्शन मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आप स्लाइड सिलेक्शन करके ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्लाइड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी टेम्पलेट बहुत सारे मिल गए हैं जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा हम इसे ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस को क्लोज करके। अब इसके नीचे मिलता है आपको ड्रॉइंग, ड्रॉ ड्रॉइंग। तो ड्रॉ ड्रॉइंग है पेंट सॉफ्टवेयर की तरह। यहाँ पे आपको टूल बार देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ये रेक्टेंगल है, ये इलिप्स या ओवल कहते हैं हम इसे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, जिसमें कलर के भी ऑप्शन। यहाँ पे ग्रेडिएंट है या कलर है, क्या चीज़ चाहिए आपको, और ग्रेडिएंट के या कलर के टाइप किस टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे आप चीज़ों को सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जैसे मैंने कलर ले रखा है तो यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक ग्रेडिएंट में आ गया है और एक सिंपल कलर में आया, तो ये एक तरह से पेंट सॉफ्टवेयर की तरह है। फिलहाल हम एक एक इसका जितने भी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के वो हम सारे एक एक चीज सीखेंगे। ये मैथ फॉर्मूला है जो जो एक तरह से माली स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैथ के फॉर्मूले लगाने के लिए अलग से दिया गया है। MS एक्सेल से थोड़ा सा अलग है ये। अब मैं दोबारा लिब्रे ऑफिस का लास्ट वाला ऑप्शन देखता हूँ, जिसमें बेस डेटाबेस लिखा है। ये MS एक्सेस की तरह है, जिसमें MS एक्सेस का डेटाबेस हम यूज करते हैं, तो इसमें बेस डेटाबेस नाम से है। तो ये MS एक्सेस का ऑप्शन है, कैंसिल करता हूँ। तो ये हो गया वर्ड, ये हो गया एक्सेल, ये हो गया पावर पॉइंट, ये हो गया पेंट, और ये हो गया MS एक्सेल। इसमें मैथ फॉर्मूला जो है ये थोड़ा इसमें लेटेस्ट दिया गया है। तो ये था इसका आज लिब्रे ऑफिस का एक तरह से इंट्रोडक्शन, और प्लस किस तरीके से आप जाके इसे
डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से इसके इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं, और लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत वो मैंने आपको दिखाया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर वर्क करना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। बाकी लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।